नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। बैंगन के भरते बनाने के लिए हम हरी मिर्ची को इसमें बीच में डाल देंगे ताकि इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो। चलिए अब हम इससे पहले गैस पे पकाएंगे। ये चूल्हा स्टाइल है, इसे गांव स्टाइल में बनाते हैं। इसमें हमने हरी मिर्ची रखी है, इसे अच्छे से भून लेंगे। गांव में चूल्हे पे भूनते हैं तो हम गैस पे भून लेते हैं। इसे अच्छे से भून लेते हैं। भून के जो इसका छिलका है वो हम उतार देंगे बिना पानी से। इसको पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए ये भून चुका है, अब हम इसका छिलका उतार देंगे। अभी दूसरा बैंगन भी ऐसे ही पका लेते हैं। पकाने के बाद में जो छिलका है इसे उतार देंगे ऐसे। तो चलिए छिलका उतारने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे लहसुन और अदरक प्याज के साथ। लहसुन और अदरक के साथ डालेंगे तो और भी बहुत तेज बन जाएगा। ज़्यादा डालिएगा, इसका कोई नुकसान नहीं होता। तो चलिए अब हम बनाते हैं लहसुन अदरक और प्याज। इसे हल्का सा भून लेते हैं। अब हम इसमें लाल टमाटर डाल देंगे बारीक काटा हुआ। टमाटर डालने के बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। इसमें मसाले डालेंगे नमक, मिर्ची और हल्दी। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पका लेंगे मसाला इसका, कि आधा मसाला तो ऐसे ही बन जाए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। और स्वाद के लिए हम इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। आप 1 भी डाल सकते हैं या 2 डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो चलिए अब हम इसमें बैंगन का भरता डाल देंगे। चलिए अब हम बैंगन का भरता डालते हैं। डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद अच्छे से मिलाएंगे 2-4 मिनट के लिए ताकि ये पक जाए। अब हम इसमें बैंगन का भरता डाल देंगे। अब इसे भी अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ढकेंगे, उसके बाद फिर इसे हिलाएंगे। तो ऐसे ही 2 मिनट के लिए ढक देंगे क्योंकि ये पहले से ही बना हुआ है। और 2 मिनट ढकने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। बारीक काटी हुई शिमला मिर्च है ताकि ये और भी करारा बन जाए। चलिए अब हम इसमें बारीक काटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए लास्ट में हमने इसकी प्लेटिंग की है और हमने सैलेड में लाल टमाटर और शिमला मिर्च की डेकोरेशन की है। तो चलिए रखते हैं, प्लेटिंग करते हैं। तो चलिए
आप इसमें लाल टमाटर, प्याज और खीरा भी रख सकते हैं। ऐसे डेकोरेशन करने से बड़े और छोटों को सबको अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छी लगती है। बैंगन के भरते के साथ आप दाल ले सकते हैं, जैसे कि मूंग मसूर की दाल बहुत ही हल्की होती है और प्रोटीन भी होती है, आप इसके साथ लीजिएगा बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में पापड़ ले सकते हैं। डिनर के साथ डिनर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।